अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज नूरशा, आई एम हियर टू टीच यू। टुडे वी लर्न अबाउट टेंसेस। हमने टेंसेस स्टार्ट किए हुए थे पार्ट्स बाय पार्ट्स, मैं आपको लेक्चर्स इसके मिल रहे हैं और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने टेंसेस का ओवरव्यू लिया था और हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर टेंसेस के अंदर हमने प्रेजेंट, इनडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा था, डिटेल के साथ पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से प्रेजेंट इनडेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी पढ़ सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का लेक्चर है। आज प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, पहले प्रेजेंट परफेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कौन से टेंसेस होते हैं? ऐसे टेंसेस जो मुकम्मल हो चुके हों, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं लाहौर जा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, इस तरह के चुका मतलब मुकम्मल काम, एक तरह का मुकम्मल, अभी अभी मुकम्मल हुआ है, मतलब चुका, जहाँ पर एंड में आ जाए चुका, चुकी, चुके, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो अभी हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, ये हैज हैव, ये इसके हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव और इसके साथ लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड में लगता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव यानी जो इसके जवाबिया जुमले होते हैं, जवाबिया सेंटेंस होते हैं। तो पहला हमारी क्या है, वो स्कूल जा चुका है, ठीक है, वो स्कूल जा चुका है, ये क्या है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो वो अभी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा ही, वो आया ही। अभी इसके अंदर देखें हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर नाउन हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तब हम हैज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा जो, और ये सॉरी ये सब्जेक्ट है, ये अगर हमारे पास प्लूरल होगा यानी जमा होगा तो हम हैव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन आई के साथ भी हैव इस्तेमाल करना, आई सिंगुलर, लेकिन आई और यू इन दोनों के साथ भी हैव इस्तेमाल होगा, और जितने भी प्लूरल जमा यानी प्लूरल होते हैं जो नाउन, उनों के साथ भी हैव का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। चलो ये तो सिंगुलर है, ही के साथ हम हैज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ही हैज, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो स्कूल जा चुका है, ही हैज अभी जा चुका है, मतलब गो, वेंट, गोन, ठीक है, थर्ड फॉर्म में जा चुके, जाने की और गो की गोन है, ठीक है। वो ही हैज गोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, कहां पर, स्कूल, ही हैज गोन टू स्कूल, ठीक है। ही हैज गोन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है, ठीक है। ये एक कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। ही हैज गोन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है, और इसकी जो सेकंड है, मैं खाना खा चुका हूँ, तो हम इसका सेकंड का भी बनाते हैं, और मैं खाना खा चुका हूँ, अभी मैं आई, ठीक है। आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, ठीक है। आई है तो सिंगुलर आई हो गया, अगर यू, आई और यू आ गए ना, तो उसके साथ भी हैव हम लगाएंगे। हालांकि मैं मानता हूँ सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई और यू, आई और यू दोनों के साथ, ठीक है। आई हैव, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। खाना ईट, एट, ईटन, ठीक है, थर्ड फॉर्म में ईटन, ईट की। आई हैव ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट फूड, ठीक है। I have eaten food. I have eaten the food. I have eaten the food. ठीक है। I have eaten the food. मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। यानी ये देखें आप, He has gone to a school. I have eaten the food. ठीक है। वो स्कूल जा चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, यानी काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी भी काम कंप्लीट हो चुका है, तो ये मतलब परफेक्ट तौर पर काम कंप्लीट हो चुका है, यानी परफेक्ट तौर पर काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसी का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होगी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये तो अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव जो जवाब या सेंटेंस होते हैं, ठीक है, आंसर। अभी नेगेटिव हम बनाते हैं, नेगेटिव यानी इनकारिया, जिसे हम इनकारिया कहते हैं, बिल्कुल आसान है। नेगेटिव में आपने क्या करना है, यही मैं यही एग्जाम्पल उठाता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मेरा आपको समझ जाए, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए नेगेटिव आई, इसका बना रहा हूँ, ठीक है। आई हैव, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा और कुछ भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है ना, हैव या हैज, इसका नॉट लगा देंगे। आई हैव नॉट ईटन द फूड, ठीक है। आई हैव नॉट ईटन द फूड, ठीक है। इसकी जो ट्रांसलेशन हो जाएगी वो ये होगी कि मैं खाना
नहीं खा चुका हूँ। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। ठीक है, जो इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, ये हो गया इसके इनकार, यानी नेगेटिव। नेगेटिव में आपने क्या करना, बस जस्ट आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना, बाकी सारा वैसा कर सको, सब्जेक्ट वैसा है और हेल्पिंग वर्ब भी वैसा, बस आपने यहाँ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में ना आपने नोट का इजाफा कर देना है। जैसे आई आ गया सब्जेक्ट, हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब, हमने इसके बाद नोट लगा दिया, नॉट इटन द फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। ठीक है, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। ठीक है, अभी इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कहते हैं हम सवालिया को, ठीक है, क्वेश्चंस को। अभी अभी इसका हम सवालिया कैसे बनाएंगे, इतना आसान है बिल्कुल। अभी इसके लिए आप क्या करते हैं, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, हेल्पिंग वर्ब उसको सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, और बात पे गौर करें, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से हम पहले लेकर आएंगे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह लिख देंगे। चलो मैं ये समझाता हूँ, चलो ये एग्जाम्पल हम उठाते हैं, ही हैज गॉन टू अ स्कूल वाली। ठीक है, अभी इसको हम इंटरोगेटिव में करेंगे, तो फिर मैंने क्या बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, हैज, ठीक है, सॉरी कैपिटल में लिखूं, हैज, ठीक है, ये आगे हेल्पिंग वर्ब। अभी क्या है, हमने नाउन इसका जो हेल्पिंग वर्ब लिखा, अभी हमने लिखना है इसका, और हैज लिखा, हैज के बाद हम लिखेंगे ही। ठीक है, हैज हमने ये हेल्पिंग वर्ब तो लिख दिया और ये नाउन भी लिख दिया। ठीक है, ये देखें हमने क्या किया, हमने हैज को उठा के सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, सब्जेक्ट को उठा के हैज की जगह लिख दिया, यानी हेल्पिंग वर्ब की जगह लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। देखें हैज ही, ठीक है, बाकी वैसा का वैसा उतार दे आप, हैज ही गोन टू स्कूल। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लगाना है, उसकी ट्रांसलेशन होगी, हैज ही गॉन टू स्कूल की ट्रांसलेशन होगी, क्या वो स्कूल जा चुका है, क्या वो स्कूल जा चुका है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कितना आसान है, हैज ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपकी कोई भी इसमें कंफ्यूजिंग है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी ये तो होगी प्रेजेंट परफेक्ट की बात, मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट का जनरल फॉर्म हो रहा है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके कौन से हैज और हैव, इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्लस एंड में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, सिंपल। और उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव यानी जवाबिया। तो देखिए यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ही हैज गॉन टू अ स्कूल, देखिए सब्जेक्ट आ गया ही, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हैज इस्तेमाल होगा, क्योंकि हैव हैज ही ये सिंगुलर है। ठीक है, ही सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम हैज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हैज आ गया, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट, थर्ड फॉर्म क्या है, गोन, गोन टू स्कूल, ही हैज गोन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। ठीक है, सेकंड हमने ये डिस्कस किया, आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कंप्लीट हो गया सेंटेंस, कंप्लीट हो गया है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट तौर पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो इसके हमने नेगेटिव बनाया, यानी इनकारिया, आई हैव नॉट ईटन द फूड। ठीक है, यही हमने उठा दिया, इसी को हमने इनकारिया बनाया। ठीक है, इसी को हमने नेगेटिव बनाया, आई हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर दिया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म के दरमियान में नॉट का इजाफा करना है, बस और कुछ भी नहीं करना नेगेटिव के अंदर। ठीक है, I have not eaten the food. मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। ठीक है, ये इसका नेगेटिव आ गया। इस पर इंटरोगेटिव यानी होता है सवालिया, सवालिया जुमले। ठीक है, सवालिया सेंटेंस। ठीक है, अभी इसमें क्या करना होता है, हमें ये देखें जो हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट की जगह लाना है, और सब्जेक्ट को उठा के हेल्पिंग वर्ब की जगह लाना है, बस जस्ट इतना करना है। देखें यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, ही जो हमारा सब्जेक्ट था वो बाद में आ गया। ठीक है, हैज ही गॉन टू अ स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं अभी अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। ये हमारा गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें क्या करना है, इसका जनरल फार्मूला पहले आप समझे। देखें पहले तो आप देखें इसके अंदर दो सिचुएशंस हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस, हमने परफेक्ट भी पढ़ा हुआ है, कंटिन्यूस भी पढ़ा हुआ है।
अभी यहाँ पर देखें इसमें क्या चीज है, ये तो खामा खा का ही टेंस बनाया हुआ है, बाकी ये ग्रामर के रूल में है, हमें इसको पढ़ना होगा। ठीक है, परफेक्ट कंटी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये होता है कि अभी मिसाल के तौर पर कोई काम कब से चल रहा है, कोई काम जब से चल रहा है और वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, एक मखसूस वक्त, एक स्पेसिफिक टाइम कब से चल रहा है और कब से, मतलब मिसाल के तौर पर कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो ये भी इसी की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एक एग्जांपल है। इसके बाद है, मैं 1 घंटे से खाना खा रहा हूँ। ठीक है, 1 घंटे से खाना खा रहा हूँ, यानी पास्ट पहले से काम शुरू हुआ हुआ है और अभी तक कंटिन्यू है, अभी तक कंटिन्यू है, तो वही है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए इसके अंदर जो जनरल फार्मूला है, इसका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब इसमें आते हैज, हैव, हैज और हैव, उसके बाद प्लस हमने बीन का इजाफा करना है। ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यूस की उसके परफेक्ट की तरह हैज, हैव और उसके बाद बीन का इजाफा कर देना, बस इसमें बीन का इजाफा करना है। उसके अंदर जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना। ठीक है, एंड में आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें लिखना है सिंस या फोर का इजाफा करना है और एंड में टाइम लगा देना है। ये अभी आपको समझाता हूँ, वैसे नहीं समझ आएगी आपको। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर मैं एक उर्दू में लिखते फिर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ उसको। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अभी ये मुकम्मल तौर पर एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अभी जो इसकी हम इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, अभी इसको हम ऐसे देखें, मैं आ गया सब्जेक्ट, मैं आ गया आई, आपको पता आई के साथ हैव इस्तेमाल होता है, हालांकि आई है सिंगुलर, लेकिन इसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। ठीक है, आई हैव, उसके बाद प्लस बीन का इजाफा करना है। ठीक है, आई हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, उसमें अंदर जो वर्ब है क्या, पढ़, यानी स्टडी कर रहा हूं ना। ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग। ठीक है, अभी इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो है नहीं कोई भी, तो यहां तक। ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग। ठीक है, अभी इसके बाद हमने सिंस और फोर और टाइम लगाना है। ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर टाइम कितने हैं, 2 घंटे, 2 आवर्स। ठीक है, और अभी यहाँ पर हमने ये चीज देखनी है कि सिंस का इस्तेमाल होगा या फोर का इस्तेमाल, या सिंस और फोर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, सिंस उस जगह हम उसको इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पर कि मैं एक जुमला बनाता हूँ कि मैं कराची में 1990 से रह रहा हूँ, मैं कराची में 1990 से रह रहा हूँ। ठीक है, यानी 1990 से लेके अभी तक, एक बिल्कुल परफेक्ट टाइम बता रहा हूँ, 1990 से मैं कराची में 1990 से रह रहा हूँ, तो उसके अंदर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, आई हैव बीन लिविंग सिंस 1990। ठीक है, तो उसके अंदर अगर एक खास टाइम, एक टाइम बता रहा हूँ ना, एक टाइम जैसे कि मैं 1990 से कराची में रह रहा हूँ, तो उसके अंदर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर मैं ये लिखूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अभी ये 2 घंटे कौन से भी हो सकते हैं, आज के भी हो सकते हैं, कल के भी हो सकते हैं, और 1 साल पहले के भी हो सकते हैं, एक परफेक्ट टाइम नहीं बता रहा, तो उसके अंदर हम फोर का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई परफेक्ट टाइम बताता है ना, अगर किसी कोई सेंटेंस के अंदर परफेक्ट टाइम का बताया जाए, तो उसके अंदर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि इसका ये हो सकता है, मैं 2010 से पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सन 2010 से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 2010 से स्टडी कर रहा हूँ, तो उसके अंदर भी हम टाइम को शो कर, टाइम से पहले हमारे पास, हम उसमें भी सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर अभी कोई बताए कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 घंटे से खाना खा रहा हूँ, या मैं 10 घंटे से सो रहा हूँ, तो उसके अंदर हम फोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बता रहा है, तो 2 घंटे टाइम एक, मतलब बता रहा हूँ, 2 घंटे कब के भी, आज के भी हो सकते हैं, कल के भी हो सकते हैं, कभी के भी हो सकते हैं, वो हमें एक खास टाइम नहीं बता रहा। ठीक है, तो इसके लिए हम, ये क्या है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसके अंदर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फोर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स।
2 hours. ठीक है, I have been studying for 2 hours. ठीक है, अभी एक और बनाते हैं. वो आठ बजे से सो रहा है. ठीक है, वो 8 बजे से सो रहा है. ठीक है, समझ में आ रहा है, वो 8 बजे से सो रहा है, यार टाइम बता रहा है. ठीक है, अभी जो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो 8 बजे से सो रहा है, वो यानी ही लड़का है, सो रहा है, शो कर रहा है लड़के को, वो 8 बजे सो रहा है. ही के साथ हम हैज इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, ही हैज बीन, ही हैज बीन. ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें क्या सो रहा है, स्लीप, स्लीप, इसकी स्लीप की जो फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग, स्लीपिंग. He has been sleeping. अभी इसके अंदर बताओ फोर आएगा या सिंस आएगा. अभी देखिए वो 8 बजे से सो रहा है. ठीक है, अभी इसमें बता रहा है 8 आज के भी हो सकते हैं, कल के, ये एक कोई मखसूस टाइम नहीं बता रहा, वो 8 बजे से सो रहा है ये बता रहा है कि वो कब के 8 बजे, वो 1 साल पहले का 8 बजे या 1 महीने पहले का बता रहा है ये हमें नहीं पता. तो इसमें भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फोर का. ठीक है, फोर. He has been sleeping for 8 o'clock. 8 o'clock. ठीक है, ये आ गया टाइम अकॉर्डिंग टू फार्मूला. ठीक है, he has been sleeping for 8 o'clock. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, वो 8 बजे से सो रहा है. ठीक है, ये भी आ गया एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जाम्पल. ठीक है, अब इसके अंदर जो नेगेटिव हमने कैसे करना है, नेगेटिव में आपको ये करना होगा कि मैं एक मिटाता हूँ पहले. इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं. ठीक है, अभी नेगेटिव में थोड़ा सा आप गौर करें. अब नेगेटिव बनाएंगे ना, उसके अंदर हम क्या करेंगे, नेगेटिव के लिए पहले आप उर्दू में लिख लेता हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा, इसी को नेगेटिव करते हैं ताकि आप समझने में आसानी रहे. मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा हूँ. ठीक है, अभी जो इसकी नेगेटिव बनाएंगे कैसे, अभी देखिए सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हैज हैव. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और बीन, जो बीन है इससे पहले हमने नॉट का इजाफा करना है नेगेटिव में. अभी यहाँ देखिए आप, आई सब्जेक्ट आ गया, हैव हेल्पिंग वर्ब आ गया, अभी यहाँ नॉट लगाएंगे बीन से पहले. ठीक है, आई हैव नॉट बीन, बाकी सारा वैसा वैसा उतार देना है. स्टडिंग फॉर 2 आवर्स. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. अभी जो इसका ऑफर इंटरोगेटिव बनाएंगे यानी सवालिया, उसके लिए हम क्या करेंगे. ठीक है, अभी इंटरोगेटिव बनाने के लिए इंटरोगेटिव इसके अंदर हमने क्या करना है, देखिए इंटरोगेटिव अगर आप बनाएंगे तो वही सेम रूल, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह आएगा. ठीक है, बीन अपनी जगह पे रह जाएगा. मैं अभी इसी का बना के दिखाता हूँ, आपको इससे समझ नहीं आएगी आपको. हैव, ठीक हैव इधर आ गया, हैव आई Been, have I been? ठीक है, समझ में आ रहा है. Have, helping verb subject की जगह आ गया, खाली ये helping verb been अपनी जगह पे ही रहेगा. ठीक है, helping verb पहले आ गया, ठीक है, अभी have आ गया, ठीक है, सही है. I subject बाद में आ गया, been अपनी जगह पर ही है. ठीक है, been, ठीक है, have I been, बाकी वैसा वैसा आप उतार देंगे. क्वेश्चन मार्क के आप निशानी लाजमी करनी है. ठीक है, have I been studying for 2 hours. यहाँ क्वेश्चन मार्क आपने लास्ट में लगा देना. ठीक है, जो इसके भी उर्दू ट्रांसलेशन होगी कि
क्या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ? क्या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ? और यहाँ क्वेश्चन मार्क वैसा वैसा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। Have I been studying for 2 hours? क्या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ? ठीक है, ये थे हमारे टेंसेस। आज के लेक्चर में हमने टेंसेस को अपना कंप्लीट खत्म कर लिया और प्रेजेंट टेंसेस को हमने कंप्लीट खत्म कर लिया। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा पास्ट को स्टार्ट करेंगे, पास्ट इनडेफिनेट से कहानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको इसके अगर पार्ट फर्स्ट पार्ट की लेक्चर देखना है तो आपको क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पर आप मेरा पहला पार्ट भी देख लेंगे और उससे ना आपको ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेहतर समझ में आएगा। और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।